नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक 24। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की कमान संभाल रहे पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। प्रियंका को कांग्रेस का महासचिव और पूर्व यूपी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रियंका गांधी लगातार दो दिनों तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। दो दिन तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर खत्म करने के बाद प्रियंका गांधी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी में कांग्रेस के साथ पहले गठबंधन की भी घोषणा की। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल जी ने हमें बड़ा लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जी जान से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने महान दल के साथ कांग्रेस के गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है महान दल कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका ने केशव देव मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि हम ऐसे राजनीति का निर्माण करेंगे जिसमें सब भागीदार हों। इस राजनीति में सब वर्ग, सब समुदायों का साथ होगा, सबका प्रतिनिधित्व होगा। प्रियंका ने कहा कि यह लड़ाई जो 2019 की लड़ाई है, हमें इस लड़ाई को जी जान से लड़ना है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए पश्चिमी यूपी प्रभारी सिंधिया ने कहा कि हमारी सोच के साथ मिलकर महान दल इस संग्राम में काम करेगा। गौरतलब है कि साल 2014 में महान दल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बदायूं, नगीना और एटा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाई।